एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। जैसा कि आज 17 अक्टूबर, आज का जो टारगेट होने वाला है ना मेरे दोस्त, ये आपको करना है क्या, पहले ध्यान से समझ लो, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो देखो, अब करना क्या है कि सबसे पहले मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना, जिसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश होगा, ठीक है? और ये मेंस लेवल का आप फॉलो कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश का लगाना। इसके बाद इसका सॉल्यूशन वगैरह करके निपटा देना। ये करने के बाद SBI PO प्री का मॉक लगाना, RBI असिस्टेंट का लगाना। इसका सॉल्यूशन भी सेम डे होना चाहिए, ठीक है? चलो, उसका प्री लेवल पजल ये आपको 5 प्रैक्टिस करना ही करना है। मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एटलीस्ट 20 क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका कॉन्सेप्ट वगैरह देखना है, देन यू हैव टू ट्राई भी। सीरीज में मिसिंग और रॉन्ग दोनों है ना, कम से कम 10 10 जो है ना आप ये कर ले जाओगे, ठीक है? 10 मिनट लगेगा, 10 कर लो जाओगे। तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना हैबिट डाल लो। एटलीस्ट यू हैव टू रीड अप टू 30 मिनट, आप बढ़ा भी सकते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग। और उसका वोकैब जो वोकैब जो है ना 20 कम से कम, यही जो न्यूज पेपर वगैरह रीड करोगे ना, ठीक है, तो उसमें जो भी वर्ड आपको नहीं आएगा, यू हैव टू राइट इन योर स्पेशल डायरी वगैरह रखा करो, जिसमें आपको लिखना है उसको बार 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 बार, ओनली यू हैव टू रिवाइज। ओके, RC 2 है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे ही आपको लगे कि नहीं RCM से हो जा रहा है, तो आप मेंस लेवल RC आप शुरू कर देना, ठीक है? ये करने का ईयर स्पॉटिंग जो आता है ना, यू हैव टू फाइंड ईयर, ये नहीं आता है फाइंड करने वाला। ये तभी सही होगा जब आपको का ग्रामर जो है ना स्ट्रांग रहेगा। इसके लिए ग्रामर टॉपिक वाइज आप करना शुरू कर दो। एक बार ग्रामर अगर आपको लगे कि ग्रामर ठीक ठाक हो गया है, तो आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ग्रामर स्टॉप कर सकते हो, बाकी नहीं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस ये आपको करना ही करना है। एटलीस्ट 30 मिनट आप दे सकते हो अभी इसके ऊपर, ठीक है? और जिनका भी IBPS PO मेंस होने वाला है ना, वो आप टाइप करना शुरू कर देना एकदम, क्योंकि टाइपिंग स्पीड भी आपका होना चाहिए अप टू 30 के आसपास तक एकदम। करंट पेज पर डेली अपडेट तो करना ही करना, साथ में 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक जो है ना, इसको आपको अच्छे से रिवाइज एकदम कर लेना। साथ में इसी का आप क्विज लगा लोगे। बैंकिंग अवेयरनेस में देखो, एक टॉपिक में 2 दिन देता हूँ, तो DICGC जो है यही आज भी है, इसको आप पूरा कर लेना एकदम, है ना? और ये टॉपिक अपना बना लो एकदम, मतलब बुक में कॉपी में सब कुछ रहता है, आप जान जाओगे तो ये आपका अपना हो जाएगा। उसके बाद अड्डा का डेली क्विज आता है ना, मैथ रीजनिंग का इंग्लिश का, ये आपको लगा लेना फटाफट एकदम। इट्स एनफ फॉर डे। कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन ऑल्सो टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।